पास। अच्छा सुनो, कल मुझे स्टेशन लेने आ जाना कपूरथला। बिल्कुल, तेरी ट्रेन आ जाएगी 4:45 को, मैं आ जाऊंगा 4:15 को। इतनी जल्दी आके क्या करोगे? स्टेशन पे आके झाड़ू मारना है? सुनो, 4:40 से पहले बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, और आने से पहले फोन कर लेना कि कहीं ट्रेन लेट तो नहीं है। ठीक है ना? अच्छा सुन, जलंधर में जब ट्रेन चेंज करेगी ना तो प्लीज संभल के करना, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे आता है अकेले ट्रैवल करना। ठीक है, तो फिर गुड नाइट। ओके सुनो जी, वो मम्मी जी को पैरी पोना कहते हैं। अच्छा ओके, बाय। तो मर गई नोटबुक? तो पढ़ा क्या नहीं है? पता है, हम फौजियों की जिंदगी है ना, बस एक पल से दूसरे पल तक होती है। कब प्लस से माइनस हो जाए पता ही नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम रिटायर होंगे या शहीद। तो हम जितना भी जीते हैं उसमें से हर एक पल से जिंदगी निचोड़ के जीते हैं। पर आप लोग तो सिविलियन हो, आप लोगों की लाइफ तो कितनी सेफ होती है। तो आपकी इतनी लंबी लाइफ में ना जाने कितने ऐसे पल होते होंगे जिसमें से आप खुशियां और प्यार निचोड़ के जी सकते हो। अब तेरे को और निमी को ना बहुत सारी खुशियां और ढेर सारा प्यार। रब ने तो मेरे मंगन तो पहले ही मैंने बहुत कुछ दे देता। सुन, तू कहां तक जा रहा है? कपूरथला। ले, मैं भी तो वहीं जा रही हूँ। सीट नंबर क्या है? टिकटें तो वो ले गए। चल कोई नहीं, स्टेशन उतर के मिलना, ठीक है? मैंने ना तेरा इंटरव्यू कराना है जीत से। देखना तो कैसे मिल जाते हैं ना, एक ट्रेन मेरी आगे पीछे हो जाती ना तो तूने मुझे कहाँ मिलना था। मैं भी हर साल लीव पे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ही लेता हूँ, बस इसी साल वो रूट अलग पड़ गया। शायद आपसे मिलना लिखा था। किससे? उसी की वजह से तो फोन किया मैंने तुम्हें। अच्छा, फिर तो मिलना चाहिए। कौन है यार? फौजी है। उसका नजरिया देखोगे ना तो कमाल। ए ओए, सुनो, वो हरभजन सिंह कहाँ है? वही जिसका लगेज उठा के आप आए थे, सलूट कर रहे थे जलंधर स्टेशन पे उतर के। आप बाबा जी की बात कर रहे हो क्या? बाबा जी 22-23 साल का लड़का था इसके जितना होगा। हाँ, पर बातें तो बाबूजी वाली कर रहा था। मैडम जी, वो 22-23 साल के थे तब निकल लिए। हाँ, आप किसी और से बात कर रही होंगी। क्या क्या कह रहे हो? ये देखो मेरी टिकट, सामने बैठा था बर्थ पे। मैंने उसका बैज भी पढ़ा है, ऐसा ही बैज था तुम जैसा, हरभजन सिंह लिखा था उस पे। क्या बात है सर जी, सब ठीक तो है? हैं?
आप इनकी बात कर रही थी? हाँ यही तो है हरभजन, अच्छी खासी बातें कर रहा था मेरे साथ ये, और आप कह रहे हो निकलिए, कोई बात है? कमाल है ऐसे। आप लोगों की गलती नहीं है, इंडिया के लोगों को ना एक्टरों और क्रिकेटरों के अलावा किसी और की स्टोरियां नहीं पता होती। कोई बात नहीं, जाइए घर जाइए। और हाँ, ढूंढ लीजिएगा इंटरनेट इंटरनेट पे। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक सच्चे सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ और उनकी मृत्यु सिक्किम के नथुला पास में 4 अक्टूबर 1968 में हुई। जब वो 3 दिनों तक लापता रहे, उनके अफसरों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। सर्च पार्टी को हरभजन सिंह की बॉडी ठीक उसी जगह मिली। ये तो हरभजन सिंह के मृत्यु के बाद की घटनाओं की बस शुरुआत थी। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपनों में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते, उनको एक जोर का चाटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चाटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनकी तनख्वाह हर महीने उनके माता पिता को भेजती। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया, जहां आज भी भक्त दर्शन लेने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। हरभजन सिंह जो सिपॉय रैंक में रहते हुए शहीद हुए, उन्हें आर्मी प्रमोट किए जा रही थी। हरभजन सिंह की लीव हर साल सैंक्शन होती और हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गांव कपूरथला ले जाते। उस दौरान उनका कैंप हाई अलर्ट पर रहता। कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। समझौतों के वक्त हिंदुस्तानी क्या चीनी भी उनके लिए एक कुर्सी खाली रखते थे। वो बतौर कैप्टन दिसंबर 2006 में रिटायर हुए। बाबा हरभजन सिंह को वतन का सलाम।